मेरे पुत्र के छठी और नामकरण संस्कार का उत्सव। इसमें तो संपूर्ण प्रकृति झूम उठे, वो ही उत्सव की संपूर्ण व्यवस्था करे, ये तो मेरी प्रबल इच्छा थी। माँ, मेरे पुत्र, मेरे मंगल मूर्ति, देखा माँ, आपके पुत्र ने स्नान कर लिया, स्वच्छ हो गया मैं। इतनी सजावट, वाह माँ, हमारा भवन तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, और ये फल तो बहुत ही सुंदर है माँ, स्वादिष्ट भी होंगे, अब तो इन्हें खाना ही होगा। रुको पुत्र, क्या हुआ नानी जी, आपने मुझे रोक क्यों दिया? इतना उतावलापन उचित नहीं, पूजा के भी कुछ विधि विधान होते, आज तो तुम पूजा संपन्न होने के बाद ही भोजन प्राप्त कर सकोगे। हाँ पुत्र, नानी माँ उचित कह रही है, आज तुम मेरी अनुमति मिलने तक कुछ भी नहीं खाओगे, समझ गए ना? हाँ माँ, समझ गया मैं। माता, अतिथियों का आगमन प्रारंभ हो गया है। बोल रही हो बुढ़िया सिंह का, वो बालक महादेव और देवी पार्वती का पुत्र है। और आप भूल रहे हैं असुर सम्राट सिंदूरा, या फिर ब्रह्मदेव के पुत्र है, जिन्होंने स्वयं अपने पिता सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव को भी भयभीत कर दिया था। क्यों ना मैं आपको ही अपनी भुजाओं में आबद्ध करके देख लूं कि आपकी ये दी हुई शक्तियां प्रभावी है भी या नहीं। उचित कह रही हो तुम सिंगिका, ब्रह्मदेव का श्राप है तो क्या हुआ, उनका वरदान भी तो प्राप्त है मुझे, अपनी भुजाओं में भरकर मसल के रख सकता हूँ अपने शत्रु को मैं, शत्रु के मस्तिष्क पर नियंत्रण पाकर उसका अंत कर सकता हूँ मैं पुत्र हूँ ब्रह्मदेव का, और वो तुच्छ बालक मेरा सामना नहीं कर सकेगा, वध करूंगा मैं उसका। नंदन का जन्म महोत्सव साक्षी होने को आए देव गंधर्व, बाल मुनि सप्त ऋषि गण भी सारे, सपत्नीक ब्रह्मा विष्णु भी पधारे, नभ से उतरते वाहन सुसजित, कैलाश सज्जित व पूर्ण व्यवस्थित, नंदी श्रृंगी प्रेत तोतला सब गण, अगुआई अभिनंदन करके प्रसन्न, जया एवं विजया व मैनावती, उप हिमावंत साथ द्वारे खड़ी।
बालक। जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता नन्द कुमारो दर्शन वे रामन रमता। जय देव जय देव भावभगत से कोई शरणागत आवे संतन संवत सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज को अति भावे कोसा भी नंदन निशनित गुण गावे। जय देव जय देव।